हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राकेश व्लॉग्स। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। और जो भी ALP की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके बिना आप ALP के एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं और ना ही कभी आप लोग को पायलट बन पाएंगे। यह टेस्ट बहुत जरूरी है। आखिरकार होता क्या है और ये टेस्ट कितने टाइप का होता है और इसमें कितने कितने नंबर के होते हैं, हर टेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, तो मैं फ्रेंड्स आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका जो टेस्ट का नाम है वो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये टेस्ट सिर्फ ALP कैंडिडेट्स के लिए है। और इस टेस्ट का दूसरा नाम भी है जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं। और इसमें आप लोगों का सबसे पहले क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा, मतलब आप क्वालिफाई इस टेस्ट में कैसे करेंगे उसके लिए जानते आइए। द कैंडिडेट नीड्स टू सिक्योर अ मिनिमम स्कोर 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी टू क्वालिफाई, मतलब आप लोगों को 42 मार्क्स स्कोर करना होगा हर बैटरी टेस्ट में। मैं आगे बताऊंगा कि बैटरी टेस्ट क्या होता है, हर टेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, नो रिलैक्सेशन इज़ परमिसिबल, मतलब ये आप लोगों का रिलैक्सेशन कोई भी कैंडिडेट को परमिसिबल नहीं रहेगा। जो भी कम्युनिटी के हैं आप लोगों को 42 मार्क्स सिक्योर करना ही पड़ेगा, इतने स्कोर करना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम में, तभी आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस एग्ज़ाम के रिलेटेड। सबसे पहले आप लोग जानिए, कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटीज इन UR, OBC, NCL, ST, NSC शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन पार्ट ए ऑफ द सेकेंड स्टेज CVT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग द पार्ट बी ऑफ द सेकेंड स्टेज CVT फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ALP, मतलब आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा, आप जैसे ही स्टेज टू क्वालिफाई कर लेंगे, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी में आप लोग दोनों पास कर लेते हैं, तो आप लोगों का 8 टाइम्स नंबर ऑफ ALP वैकेंसी के सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपका वैकेंसी अगर उस बोर्ड में 1000 है तो आप लोग को 8000 बुलाया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्टेड किए हैं ALP पोस्ट के लिए, उन लोगों को मतलब इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस टेस्ट 2 को पास करने के बाद। तो फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ड्यूरिंग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आप लोगों को विजन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा ओरिजिनल, जब आप लोगों का साइको एग्ज़ाम होगा जहाँ सेंटर होगा वहाँ ओरिजिनल आप लोगों को, मतलब आपका जो आई विज़न है वो 6x6 इन बोथ आईज में होना चाहिए, तभी आप लोगों को एंट्री मिलेगी एग्ज़ाम देने के लिए और आप सेलेक्ट हो पाएंगे आफ्टर पासिंग साइको एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं अगला पॉइंट, कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर कंसिडरिंग देम फॉर द पोस्ट ऑफ ALP, मतलब आप लोगों को जितने टाइप के भी टेस्ट बैटरी होंगे उसमें सब टेस्ट में आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा। अगर आप कोई भी एक टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप लोगों को वही एग्ज़ाम से, मतलब आप पास नहीं हो पाएंगे उस एग्ज़ाम को, साइको एग्ज़ाम आप पास नहीं कर पाएंगे, तो सारे टेस्ट बैटरी को आप लोगों को पास करना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट्स क्या कहता है, देयर शुड बी नो नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। द ALP मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन द पार्ट ए ऑफ सेकेंड स्टेज CVT एंड 30% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आप लोगों का जो फाइनल ALP मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका जो 70% मार्क्स लिया जाएगा वो पार्ट ए से लिया जाएगा, मतलब स्टेज CVT 2 सेकेंड स्टेज से आप लोगों का जो पार्ट ए में नंबर आएगा उसका 70% वेटेज लिया जाएगा और 30% आपका साइको जो एग्ज़ाम होगा उससे लिया जाएगा, और उस बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा।
तो यह एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पार्टे में नंबर कम लाते हैं और इसमें आप अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं तो आपका 30% मार्क्स इसमें जुड़ जाएगा। और आप तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं, मतलब ये आपका जो बैटरी टेस्ट कितने टाइप का होता है साइको एग्ज़ाम के लिए। तो टाइप और बैटरी टेस्ट फॉर साइको एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, सबसे पहले मेमोरी फिगर टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेमोरी फिगर टेस्ट होता है, इसमें 5 टाइप के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई होते हैं। उसके बाद होता है वॉच टेबल टेस्ट होता है, फिर टेबल टेस्ट और कॉलम रो टेस्ट होता है एक टाइप ए और टाइप बी, एंड देन होता है सेम फिगर टेस्ट होता है टाइप ए टाइप बी, फिर ब्रिक टेस्ट होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यूब टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, येस और नो टेस्ट होता है, उसके बाद सिमिलरिटी टेस्ट होता है, फिर डिजिट रिलेशन टेस्ट होता है, फाइंड 6 टाइप ए में आता है और टाइप बी में आता है, फाइंड 9 को फाइंड करना रहता है, फिगर प्लेस मैचिंग टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोगों को अभी मतलब जो मैंने बुक फॉलो किया था उस बुक को दिखाऊंगा और सारे टेस्ट दिखाऊंगा थोड़े थोड़े करके, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके ट्रिक बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में थोड़े थोड़े हर टाइप के टेस्ट के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है सारा कुछ ट्रिक बताऊंगा, कौन कौन से टाइप के टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, और ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और भी आते रहेगी एडुकेशन रिलेटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेलवे एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स देखिए बुक मैंने फॉलो किया था, बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें देखिए ये आपका टाइप ए टेस्ट हो गया, मेमोरी टेस्ट, इसमें आप लोगों को मतलब यहाँ दिए रहेगा घर आपका, हाउस मेमोरी टेस्ट इसको बोलते हैं, आप लोगों को यहाँ 3 मिनट टाइम मिलेगा इसको देखने मेमोराइज करने के लिए, फिर आप लोगों को यहाँ पोजीशन पूछा जाएगा कि ए में क्या था, बी में क्या था, कहाँ कौन सा घर था, यहाँ रिलेटेड आपको भरना, फिर आप लोगों का टाइप बी मेमोरी टेस्ट हो गया, इसको बोलते हैं रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट, आप लोगों को याद करना पड़ेगा सारा, फिर यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जिसमें ऑप्शन दिए रहेगा, ये सारा कुछ आप लोगों को पूछा जाएगा, ये टाइप बी हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका ब्रिक टेस्ट हो गया, इसमें आप लोगों को बताना होगा कि ए कौन कौन से ईंटे के साथ, कितने ईंटे के साथ सटा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ईंटों के साथ सटा हुआ है, तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा तुरंत। ये टेस्ट बहुत ही अच्छा है, इसमें आप लोग को मैट्रिक बताऊँगा, आप उससे तुरंत आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही टेस्ट और मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सारा टेस्ट मैं आपको बता दूंगा किस टाइप के होते हैं और उसके ट्रिक कितने होते हैं, फिर इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। और तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेट इज़ राकेश व्लॉग्स, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए।